वहीं खबरों में बढ़ते हैं। बाराबंकी के एक प्राथमिक विद्यालय से बदहाली की तस्वीरें सामने आई है, जहां स्कूल के जर्जर भवन की छत से पानी टपक रहा है, तो वहीं छात्र और शिक्षक छाता लगाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों ने बेहतर शिक्षा के दावों की पोल खोल दी है। देखिए एक रिपोर्ट। बड़े बड़े मंचों से बेहतर शिक्षा के दावे, सब बढ़े जैसे नारे, शिक्षा के लिए करोड़ों का बजट, और इन सब के बीच बदहाल शिक्षा व्यवस्था की एक जीती जागती तस्वीर। जी हां, छत से टपकता पानी और हाथों में छाता लेकर पढ़ाई करते बच्चों की यह तस्वीर बाराबंकी के प्राथमिक विद्यालय की, जहां शिक्षा व्यवस्था पानी में बह चली है। स्कूल की छत से पानी कुछ ऐसे बह रहा है मानो बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि नहाने के लिए आए। बारिश की बौछार से पूरा स्कूल पानी पानी हो गया है। इतना ही नहीं, स्कूल की बिल्डिंग भी इतनी जर्जर हो गई है कि कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासन है कि आंखें मूंद कर बैठा है, शायद उसे किसी बड़े हादसे का इंतजार है। स्कूल की जर्जर हालत को देखकर अब तो माता पिता भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से घबरा रहे हैं, और जो बच्चे स्कूल आते भी हैं वो भी अपनी जान को हथेली पर रखकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये पहली बार नहीं है जब हालात ऐसे हो। हर बार बारिश का मौसम आते ही स्कूल की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आती है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की मिसाल देखिए जो हर बार इसे नजरअंदाज कर देता है। और जब अधिकारियों पर सवालों की बौछार होती है तो वो कार्रवाई का छाता लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। दो महीने से तो मैं यहाँ हूँ, मेरे पास तो खैर एप्लीकेशन नहीं आई कि बराबर दे रहे हैं, तो मेरे पास तो आई नहीं, मेरे मुझे तो अभी समय नहीं आया है। अगर ऐसा होता तो मेंटेनेंस का भी, जैसे हमारे यहाँ लगभग 34 लाख रुपया गया है विभिन्न विद्यालयों में, अगर ये पहले दी होती तो निश्चित रूप से पहले भी इनका भी विद्यालय उसमें होता, तो इनके द्वारा दिया तो नहीं गया है। बेशक जर्जर स्कूल की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से उन सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है जिसकी मिसाल देते बड़े बड़े नेता नहीं थकते, लेकिन अब देखना ये है कि प्रशासन कब तक मामले को संज्ञान में लेता है और कब तक इस स्कूल की हालत में सुधार आता है। बाराबंकी से मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।